हाय, आज मैं बात करूंगी लंग कैंसर के बारे में, यानी कि फेफड़ों का कैंसर। अगर हम इसका इंसिडेंस वर्ल्ड वाइड देखें ग्लोबोकैन 2020 के हिसाब से, तो ये सबसे कॉमन कैंसर था मेल्स में और सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर था फीमेल्स में। 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन दे स्मोक टबैको। एम्स की एक स्टडी हुई थी जिसमें 2008 में उन्होंने देखा था कि फीमेल्स में ये लंग कैंसर सिर्फ 8% था और ये बढ़कर 2018 में 27.8% हो गया। अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ लंग कैंसर, तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो है स्मोकिंग, दूसरी चीज़ पैसिव स्मोकिंग, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, बायोमास फ्यूल एंड एयर पोल्यूशन। अगर अब इनकी गहराइयों में थोड़ा सा जाएं, तो स्मोकिंग हमारे जो लंग कैंसर के मरीज होते हैं उनमें 80% लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ये लंग कैंसर पाया जाता है। टोबैको स्मोक में है क्या? टोबैको स्मोक में करीबन 7,000 केमिकल्स हैं और करीबन 70 केमिकल्स उनमें से कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कि कैंसर को बनाने की क्षमता रखते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को लंग कैंसर है तो उस फैमिली में और लोगों को लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे एक जो चीज़ है वो है पैसिव स्मोकिंग, जिसके बारे में हम ध्यान नहीं रखते। अगर आप घर में स्मोक कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, बाकी के सदस्य नहीं स्मोक कर रहे, बट वो आप जो स्मोकिंग कर रहे हैं वो अंदर लेके जाते हैं वो स्मोक, और वो उनके लिए भी हानिकारक है, तो इसको हम पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। और एयर पोल्यूशन का तो जो लेवल्स हैं हमारे को पता ही है कि कितने ज़्यादा हानिकारक हैं फेफड़ों के लिए, ना ही सिर्फ लंग कैंसर बल्कि और बीमारियों के लिए भी। गाँव में बायोमास फ्यूल, चूल्हे जलाने के लिए जो ईंधन यूज़ करा जाता है, जैसे लकड़ी, उपले या इवन जो पराली जलाई जाती है, उससे भी लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। तो इन सारी चीज़ों के कारण लंग कैंसर हो सकता है। आइए अब इसके लक्षणों के बारे में बात करें। तो कोई भी खांसी जो कम से कम 2 हफ्ते से चली आ रही है, जो ठीक नहीं हो रही है, ये खांसी आपकी सूखी भी हो सकती है या इसमें बलगम हो सकता है। कभी कभी इस बलगम में हम जिसको ब्लड स्ट्रीकिंग कहते हैं कि खून के कुछ रेशे आपको दिख सकते हैं। जल्दी थकना, आपको आप थोड़ा सा चले आप थक गए, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, बैठे बैठे भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या आपकी भूख खत्म हो गई है, वज़न कम हो रहा है बिना किसी वजह के, या कहीं छाती में दर्द हो रहा है, तो ये सारे लक्षण लंग कैंसर के हो सकते हैं। आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे और अपने चेस्ट फिजिशियन या फिजिशियन से ज़रूर मिलेंगे जानने के लिए कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या हम लंग कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं? जी हाँ, लंग कैंसर स्क्रीनिंग कुछ कुछ अस्पतालों में उपलब्ध है, जिसमें हम लो डोज सीटी करते हैं और उससे हम लंग्स में देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई नोड्यूल या कोई हमारे को कण दिखाई दे रहे हैं। ये किन को कराना चाहिए? ये उनको कराना चाहिए जो बहुत लंबे समय से स्मोक कर रहे हैं, जो 50 से 80 साल के बीच में हैं, और जिन्होंने अगर छोड़ भी दिया है पर अगर 15 साल तक भी उन्होंने स्मोकिंग करी है या अभी भी स्मोक कर रहे हैं, तो ये इन सब लोगों को अपना एक बारी स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। लंग कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और जैसे जैसे लंग कैंसर के स्टेजेस बढ़ते हैं वैसे वैसे इसके क्योर रेट्स कम होते जाते हैं। लंग कैंसर बेसिकली हम 3 तरह से ट्रीट करते हैं, जिसमें सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी मेन इसके ट्रीटमेंट के हिस्से हैं। कीमोथेरेपी में आजकल इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी भी आ गई हैं, तो ये सब कुछ मिलाकर हम लंग कैंसर को ट्रीट करते हैं। और किस स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट होगा ये आपके डॉक्टर आपको देख के बता सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि साइंस के एडवांसमेंट होती जा रही है, उसी तरह से सर्जरी में हम रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं, रेडिएशन में हम इमेज गाइडेड रेडिएशन कर सकते हैं या स्टीरोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 3 या 5 सिटिंग में ही हो जाती है। और कीमोथेरेपी का तो पूरा एक पेंडोरा बॉक्स हमारा खुल गया है, जिसमें हमारे पास इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी है, जो कि हम स्टेज 3 और 4 में भी आराम से देते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने की है
कि प्लीज़ नो दैट कैंसर इज़ क्योरेबल व्हेन कॉट अर्ली। तो जितनी जल्दी आपके आप अपने लक्षणों को ध्यान देंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, जितना जल्दी आप इलाज कराएंगे उतने ही ज़्यादा आपके पूरे ठीक होने के चांसेस रहेंगे। सो लक्षण होते ही अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें।